नमस्कार साथियों, बोर्ड परीक्षाओं का समय और इस समय हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिस जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी से बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए भी ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो भी अपने स्टूडेंट्स को इसी के अकॉर्डिंग राय दे सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक ब्लू प्रिंट को फॉलो करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी चाहिए आपको। यहाँ देखना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से एक एक नंबर के सवाल आ रहे हैं, कौन से में से दो के आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है, अधिकतम अंक बार कौन से चैप्टर का है, ये सब आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये आप देखिए कुल 30 प्रश्न और 56 अंकों के आने वाले हैं। चैप्टर वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले है सॉलिड्स यानी ठोस, इसका अंक बार 3 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लें तो सोडियम क्लोराइड में पाई जाने वाली स्टाइकियोमितीय और नॉन स्टाइकियोमितीय दोषों के नाम बताने हैं आपको, और इन दोषों के नाम यहाँ पर आप उत्तर सही देख पाएंगे। आपका समय बचाने के लिए मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ, कुछ उत्तर आप स्वयं पढ़ते जाइए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो। दूसरा है कि अनायनिक ठोसों में पाई जाने वाली परमाणु त्रुटियों के नाम, आपको दोनों नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। इसके बाद देखिए प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दुधियापन पाया जाता है, उसका कारण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उत्तर पढ़ने में अगर आपको समय लग रहा है तो बीच में वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लें फिर वापस चला लें। कांच के अतिशीति द्रव कांच को क्यों माना जाता है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके उत्तर भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पुरानी इमारतों और खिड़कियों में लगे कांच के निचले छोर अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर नीचे वाले भाग को मोटा कर देता है। इसके बाद आप देखिए कि पीला जिंक ऑक्साइड में किस प्रकार की जालक त्रुटि पाई जाती है, स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पर आपका विस्तृत विवरण सहित उत्तर दिया गया है। इसके अलावा 7th क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, आयरन ऑक्साइड को, सॉरी आयरन सल्फाइड को। BCC और HCP संरचनाओं के नाम बताने हैं आपको। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये बनाए गए सवाल हैं। इस चैप्टर में से एक नंबर का सवाल जो बनता है एक और दो का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये प्रश्न सुविधा के लिए दिए गए। संकुलन क्षमता, समन्वय संख्या और प्रतिमात्र कोष्ठीकणों की संख्या यहाँ दी हुई है। इसके बाद आप देखिए 9वां प्रश्न है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, बैंड सिद्धांत से स्पष्ट कीजिए कि जर्मेनियम और सिलिकन में संयोजकता बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल आपको समझना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसका आपको कंप्लीट फिगर मिलेगा, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के साथ साथ वर्जित क्षेत्र के बारे में भी यहाँ वर्णन दिया गया है। फेरिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण देना और उसके ताप के प्रभाव भी दर्शनीय है। सवाल देख लेते हैं, कांच और प्लास्टिक किस प्रकार के ठोस के उदाहरण हैं, उत्तर है एक्रिस्टलीय ठोस। 12वां सवाल देखें, वर्ग 12 एवं 16 के तत्वों के संयोजन से बने किसी एक ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जो अर्धचालक के रूप में काम करता है, यह है जिंक सल्फाइड, कैडमियम सेलिनियम, कैडमियम सल्फाइड और मरकरी टेलीरियम। इसके बाद देखिए 13th में, वर्ग 13 एवं 15 के तत्वों के संयोजन से बने ऐसे अर्धचालक का नाम और सूत्र लिखिए जो संकेतों को तुरंत पहचानने में सक्षम है, यह है आपका गैलियम आर्सेनाइड। इसके बाद देखिए 14वां नंबर का सवाल है, पायरो इलेक्ट्रिक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, GaN गैलियम नाइट्राइड और एक है CsNO3 सीजियम नाइट्रेट। 15वां में आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे कि एकल कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है D=ZM/A³NA। 16वां सवाल है, षटकोणीय द्विविमीय नीडल संकुलन का चित्र बनाइए और इस व्यवस्था के का प्रकार और समन्वय की संख्या बताइए। यहाँ पर एक चित्र आप देख पा रहे हैं और व्यवस्था का प्रकार है AB और समन्वयक संख्या 6 है। 17वां सवाल में अगर आप बात करें तो त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन प्रथम परत के गोले पर दूसरी परत से ढकने पर बनने वाले छिद्रों के नाम लिखिए, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय इसका उत्तर है। 18वां सवाल आप देखेंगे तो क्रिस्टलीय जालक में कुल अवयवी कण N हो तो प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2N और अष्टफलकीय की संख्या N होती है। 19वां प्रश्न है, मैग्नीशियम और जिंक में किस प्रकार के निबिड संकुलन पाया जाता है, इस संकुलन की समन्वय संख्या भी बताइए, HCP षटकोणीय निबिड संकुलन है, समन्वय संख्या इसकी 12 है। 20वां सवाल है, FCC संरचना में तीसरी परत के गोले कौन सी रिक्तियों को ढकते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों को। 21वां है, षटकोणीय निबिड संतुलन में अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों को बताइए, A=B but not equal to C, α=β=90° एंड γ=120। 22nd में देखिए आप
त्रिनताक संकुलन में अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां बताइए। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। 23वां सवाल है, यदि क्रिस्टल की अक्षीय दूरियां इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अक्षीय कोण है एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री है, तो क्रिस्टल समुदाय का नाम लिखिए। यह आपका है विषम लंबाक्ष। षटकोणीय और त्रिनताक्ष क्रिस्टल में कोई दो अंतर बताइए। 24वां सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए हैं षटकोणीय में, और ये ऊपर जो सवाल आए थे उनकी दोनों की व्यवस्था यहाँ एक साथ दी हुई है। पहले में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ये षटकोणीय में, और त्रिनताक्ष में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऐसे ही आप दूसरा अंतर भी जो हमने पहले पढ़ा हुआ ही है, 25वां सवाल आप देखेंगे, मात्र कोष्ठिका पैरामीटर के आधार पर कितने क्रिस्टल तंत्र संभव है, उत्तर है 7। 26वां, नेटवर्क ठोस में अवयवी कण और बंद का प्रकार बताइए। अवयवी कण परमाणु बंद का प्रकार संयोजक और धात्विक ठोस में अवयवी कण और बंद का प्रकार आप यहां देखेंगे तो अवयवीकरण धनात्मक धातु अष्टिकर्णेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन, बंद का प्रकार होता है धात्विक बंद। 28वां सवाल है, नेटवर्क ठोस और धात्विक ठोस में कोई दो अंतर बताइए। नेटवर्क ठोस अवयवीकरण परमाणु और धात्विक शॉर्ट में अवयवीकरण धनात्मक धातु अष्टिकर्णेल व मुक्त होते हैं, जबकि पहले में आप देखेंगे तो बंद का प्रकार सहसंयोजक होता है और दूसरे में धात्विक बंद पाया जाता है। 29वां है, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हेतु सिलिकन में कौन से तत्वों को मिलाते हैं, पी फॉस्फोरस वर्ग 15 और बी बोरोन वर्ग 13। फ्रेकल त्रुटि में अर्जेंटम क्लोराइड क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अर्जेंटम प्लस आयन अंतराकाशीय स्थलों में विस्थापित होते हैं। आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रेकल दोष और शॉर्ट की दोष की तुलना करनी है, आपको दोनों यहाँ पर तुलनाएं दी हुई हैं, तो ये बड़े सवाल हैं, इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आणविक बैंड सिद्धांत के आधार पर निम्न की व्याख्या कीजिए। एक तो तापवर्धी से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, इसका कारण बताना है, और तापवर्धी से चालकों की चालकता घटती है, दोनों कारण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा अध्याय आपका विलयन, और ये अध्याय 3 अंकों का है, इसमें भी हम संक्षेप में कुछ सवाल देख लेते हैं। एक है सोडियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड यूरिया और सोडियम क्लोराइड के 0.1 मोलर विलयन के क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूरिया का जो है वो लेस देन सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट का उससे ज़्यादा और एल्यूमिनियम क्लोराइड का उससे ज़्यादा है। हेनरी का नियम लिखवाया, एक हेनरी का नियम का यहाँ पर आपको लिखना है। इसके साथ साथ आपको एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी करके उसमें थोड़ा सा इसका गणितीय प्रतिरूप भी यहाँ दिया गया है। तीसरा सवाल है, हेनरी नियम के से सिद्ध कीजिए कि स्थिर ताप पर विलयन में गैस का आयतन की मात्रा दाब से अप्रभावित रहती है। ये सवाल है, यहाँ पर आपको इसको प्रूव करने के लिए दिया गया है। और इसके बाद आप देखिए चौथा सवाल है कि जल का क्वथनांक क्या होगा यदि एक चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। चौथा सवाल है, तो जल के क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म उपयुक्त है, परासरण दाब। छठा सवाल है, किसी योगी के जलीय विलयन में क्वथनांक 100.26 डिग्री सेल्सियस है, इस विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए Kf 186 किलोग्राम पर मोल और Kb है वो 0.522 के किलोग्राम पर मोल है। उत्तर के लिए आप यहाँ के ये जो कंप्लीट इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, ये 2 नंबर का सवाल है, इसलिए आप इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ एक बार वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद आप वीडियो जारी रखें। 7वां सवाल है, ये भी न्यूमेरिकल है कि लिथियम क्लोराइड का सैद्धांतिक अणुभार और अपेक्षित अणुभार क्रमशः 42.5 और 25.0 है, वाट ऑफ गुणांक कामना और वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको भी आप पॉज करके यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हैं। 8वां सवाल है, दो विलयनों में जो संपराशरी नहीं है एक दूसरे के सापेक्ष कैसे नामित करेंगे, तो इसका उत्तर है अति पराशरी और अल्प पराशरी। 9वां सवाल है, एक विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें उसका कुल आयतन विलय के आयतन और विलय के आयतन के योग के बराबर होता हो। NHN प्लस NF10 और दूसरा है C2H5Cl और C2H5Br, तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन का मिश्र और ऊपर जो है वो सरल एल्केन है। 10वां सवाल है, निम्न अवयवों को परस्पर मिलाने पर विलयन के वास्तविक अवयवों में आंशिक दाब और मोलंश के मध्य आलेख खींचना है, तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं इसका, आपको प्रश्न संख्या 31 पर ये उत्तर मिलेगा, और चित्र संख्या 2.3 है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप रेफर कर सकते हैं। HCl गैस बेंजीन की अपेक्षा जल में ज़्यादा विलय क्यों है, क्योंकि HCl में आयनिक होती है जबकि बेंजीन में नहीं।
समानता पर समान पात्र में विलय की तरह सतह विलयन की सतह से नीचे क्यों होती है, कारण बताना है। तो कारण यहाँ पर लिखा कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है जबकि शुद्ध विलय का अधिक होता है, इसलिए वाष्प दाब के अधिक के कारण विलय की सतह नीचे होती है। राहुल के नियम को लिखने के लिए कहा गया, तो ये भी महत्वपूर्ण नियम है, हो सकता है आपने याद कर लिया होगा। यहाँ आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, ये यहाँ पर इसका उत्तर है कि शुद्ध विलायक में वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। 15 सवाल है, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए समीकरण लिखिए। ये एम बी का इक्वेशन आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए क्रॉस पी ए नॉट डब्ल्यू ए और पी ए नॉट माइनस पी ए। 16 है, के बी और के एफ का मात्रक लिखना है आपको, तो ये देखिए के किलोग्राम पर मोल। 17 है, केबी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का सूत्र पूछा गया है, वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। 18 है, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, शुद्ध विलय के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर में हिमांक का अवनमन कहलाता है, और यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देख पा रहे हैं। 19 सवाल है, वो न्यूमेरिकल है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक के अवनमन में 0.68 केल्विन पाया गया, और सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, और नेफ्थलीन के लिए केएफ 6.8 किलोग्राम पर मोल है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशंस का न्यूमेरिकल आप ढंग से देख पा रहे हैं, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, या अगर आप देख पाते हैं तो इसको फटाफट देख के हम आगे बढ़ते हैं। प्राशन दाब मोलरता से किस प्रकार संबंधित है, पाई एम आर टी। 21 सवाल है, यदि बेंजोइक एसिड में बेंजीन विलायक में घोला जाए, यदि बेंजोइक अम्ल का संगुणन 100% हो तो इसका परीक्षित अणुभार कितना प्राप्त होगा। दूसरा है, दुगुणा सैद्धांतिक अणुभार, 2 × 122 यानी 244 इसके उत्तर है। 22 सवाल में भी कुछ से आपको यौगिक दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड को जल में घोला जाए तो आयनन 100% हो, तो वांट ऑफ गुणांक की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कंप्लीटली देख पा रहे हैं। इसके अलावा, ताप बढ़ने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलयता पर क्या असर पड़ेगा, तो ये कह रहा है कि विलयता बढ़ेगी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी आप देख पा रहे हैं, इसको आप पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। ये दोनों चैप्टर के कुछ सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल, वो हमने देखे हैं। अगले वीडियो में भी हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये सारा डिटेल एक साथ मिल सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ। जय हिंद।